हरे कृष्णा। हमारे आज के इस पुराणों के पन्ने में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं। लोग अक्सर बोलते हैं कि सबको खुश नहीं कर सकते, देखो किसी किसी को खुश कर सकते हैं, सारे समाज को खुश करना ये असंभव है। वी कांट मेक एवरीबडी हैप्पी, हम सबको खुश नहीं कर सकते। तो क्या हम सबको खुश कर सकते हैं या नहीं, क्या हम सबको संतुष्ट कर सकते हैं या नहीं, इस बात का उत्तर पद्म पुराण में दिया गया है। कहा गया, यस्मिन् अराधितो विष्णो विश्वम अराधितम् भवे तुष्टे चराचरम तुष्टम सर्वदेवो मये हरो। तो यहां पर कहा गया, यस्मिन् अराधितो विष्णु, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में भगवान कृष्ण का भक्त बनता है, विष्णु का भक्त बनता है, विश्वम अराधितो भवेत, इस पूरे विश्व की आराधना हो जाती है। तो लोग जब डिवोटी बनते हैं कृष्ण के तो डरते हैं, अरे पहले तो मैं नवरात्र रखता था, अगर मैं नवरात्र नहीं रखूंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं दुर्गा माई दुष्ट हो जाएगी और फिर मुझे मेरे जीवन में अनिष्ट होने लग जाएंगे। पहले मैं शिवरात्रि आदि पर पूजा पाठ करता था, बेलपत्र चढ़ाता था, भांग पीता था, धतूरे खाता था, अब मैं वो ना करूं तो ऐसा तो नहीं शिवजी नाराज हो जाएंगे। पहले तो मैं बहुत सारे व्रत आदि करता था, अगर मैं वो ना करूं तो क्या मुझसे देवी देवता नाराज तो नहीं हो जाएंगे। तो कहते नहीं, यस्मिन अराधितो विष्णु, जब आपने विष्णु आराधना कर ली, विश्वम अराधितो भवेत, सारे विश्व की आराधना हो जाती है। माता पिता पूर्वज भूत प्रेत सारे ऋणों से व्यक्ति मुक्त होता है। भूत तृप्ता निर्णाम, जितने भी ऋण हैं हमारे, माँ का ऋण, पिता का ऋण, समाज का ऋण, देश का ऋण, पृथ्वी का ऋण, इन सभी ऋणों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। एक ही काम करना है, गतो मुकुंदम परिहत्त करतम, खाली मुकुंद भगवान कृष्ण की शरण में चले जाओ। मुक्ति दाता एक मुकुंद, मुकुंद भगवान सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। उनकी शरण में जाने पर आपको किसी प्रकार के ऋण नहीं रह जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु कृष्ण की उपासना से 33 करोड़ देवता संतुष्ट होते हैं, सारा समाज संतुष्ट हो जाता है, है ना। तुष्टे चराचरम भवेत, तुष्ट यानी संतुष्ट होता है चर अचर, खाली ये नहीं कि खाली मनुष्य मनुष्य होते हैं, पृथ्वी भी संतुष्ट होती है, न चलने वाले और चलने वाली सभी वस्तुएं संतुष्ट हो जाती हैं। सर्वे देव मय हरहो, सारे देवता नाचते हैं, कोई कृष्ण भक्त बन जाता है। ऐसे कई बार ऐसी कथाएं आती हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता कर लेने से सब कुछ संतुष्ट हो गया। जैसे कि एक कथा आती है कि एक बार एक भक्त थे जिनका नाम था जड़ भरत। जड़ भरत भगवान कृष्ण का भजन करते थे और खाना पीना बहुत खाते थे। पहले वो राजा भरत थे, दूसरे जन्म में वो हिरण बन गए हिरण से आसक्ति के कारण, और फिर तीसरे जन्म में वो जब मुझे याद था कि मैं हिरण बन गया था पिछले जन्म में, अब मुझे भक्ति करनी है, तो उन्होंने भक्ति करी, ध्यान पूर्वक भक्ति करी, और वो किसी से बात नहीं करते थे। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, बोलते नहीं थे, तो घर वालों ने कहा तुम ना पेड़ के नीचे बैठो और कौवे चिड़िया उड़ाया करो हमारे खेतों में बैठ करके। तो वही करते थे, कौवे चिड़िया उड़ाते थे खेत में बैठ करके। एक दिन कुछ लोगों ने उनको पकड़ लिया, दो डाकू होते जंगलों में रहते हैं भील, और उन्होंने देवी की बलि चढ़ाने के लिए, देवी के आगे बलि चढ़ाई जाती है, उसके लिए उनको पकड़ लिया था। ये थे कृष्ण भक्त, क्योंकि मन में भगवान का नाम संकीर्तन करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम जपते थे। जब देखा कि दुर्गा के आगे उनका हेड पुजारी अभी काटने वाला था हाथ में वो लेकर के चाकू, तो देखते हैं कि जो देवी की मूर्ति थी बड़ी विशाल अष्टभुजाधारी, वो मूर्ति पहली बार प्रकट हो गई, और उसने प्रकट होकर सभी भील डाकू जितने भी लोग थे उन सब का वध कर डाला, पूरे गांव का, और जड़ भरत की रस्सियां काट दी और उनको आजाद कर दिया। क्योंकि कृष्ण संतुष्ट थे, तो यहां पर देखिए कि देवी ने भी उस कृष्ण भक्त की रक्षा करना चाहा, बल्कि होना चाहिए था, अरे ये तो मेरा भक्त नहीं, ये तो मेरे प्यारे भक्त हैं, इसलिए इसकी गर्दन कट जाए, मैं खून पी जाऊंगी। तो ये जो भावना लोगों ने बना रखी है ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सभी देवता, सभी देवी, सभी भक्त, सभी माता, सभी पिता, सारा संसार, पक्षी पशु चिड़िया पृथ्वी, हर चीज कृष्ण भजन से संतुष्ट जाती। इसलिए भगवान कहते हैं अस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, अगर मैं संतुष्ट हुआ सारा जगत संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन अस्मिन रुष्टे, अगर मैं रुष्ट हो गया जगत रुष्टे, ये जगत को कितना भी कर लेना ये जगत असंतुष्ट रहने वाला है। इसलिए कृष्ण भजन करिए और जीवन को मंगलमय बनाइए। हरे कृष्णा।